तो हमने जो पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले थोड़ा सा याद दिला दो, जैसे नाटक नहीं आते एपिसोड, उनमें याद दिलाते अब तक तुमने देखा, ऐसे ही हम थोड़ा सा याद दिला दो तुम्हारे। हमने पढ़ा था प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, यानी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, याद आ रहा कुछ कुछ? हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ये आपका सैंपल स्पेस S है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। उसका एक उदाहरण भी दिया था, जैसे एक कमरा है, इस कमरे के मैंने 10 पार्ट कर दिए, तो 10 पार्ट करने में क्या है, हमने उन पार्ट्स को कहां से लिख दिया, E1 E2 ये घटना है ना E3। तो सबसे पहली बात यह, जब इस कमरे के 10 पार्ट हुए तो 10 के 10 में आपस में कोई कॉमन नहीं होगा, एक दूसरे का क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगा, ओवरलैप नहीं होगा। तो इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 डॉट E10, तो ये कितना होगा 5। बताई थी बात, याद आ रहा कुछ कुछ? दूसरी बात क्या बताई थी बोलो, कि भाई इन 10 के 10 का अगर मैं टोटल करूं तो फिर से इस कमरे के बराबर, टोटल का मतलब जोड़ने का मतलब यूनियन। तो इसका मतलब क्या बताया था कल मैंने, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E10, और ये कितना हो जाता था सैंपल स्पेस, याद आ रहा कुछ कुछ? एक बात और पढ़ाई थी टोटल परमे, टोटल परमे के अंदर क्या बताया था कि ये 10 के 10 जो कमरे हैं, मान लो एक गेस्ट आया है रहने के लिए, वो गेस्ट तो किसी में भी रह सकता है नहीं रह सकता, और उस गेस्ट के आने की इवेंट को मैं कहां से लिख रहा हूँ, ए से। अगर एक गेस्ट आया है 10 कमरे में रहने के लिए और उसकी आने की जो इवेंट है उसको मैं कहां से लिख रहा हूँ, ए से, तो वो गेस्ट क्या करेगा, सबसे पहले इन 10 में से एक कमरा सेलेक्ट करेगा फिर उसमें रहेगा, यही तो है। मान लो उस गेस्ट ने पहला कमरा सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहला कमरा, फिर उसमें रहा तो रहने का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज हैपेंड, रहा का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो घटना जो भी होगी, और अपॉन में क्या लगाएंगे, E1 क्यों लगाया, क्योंकि कमरा वो सेलेक्ट कर चुका, पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस क्या होता था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ...... यही कार्यक्रम चलता था, समझ में आ रही बात। तो यानी ये जो घटना ए है जो इन सबसे संबंधित है, तो उस घटना की प्रायिकता को हम ऐसे लिखते थे, और ये क्या होती थी हमारी टोटल इवेंट। अब आती है बेज थ्योरम, तो भाई बेज थ्योरम जो है, बेज थ्योरम बिल्कुल पुरानी ही एक थ्योरम पे डिपेंड है, पुराने ही बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है। मींस कहने का, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था भाई, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अब तक तुम जो पढ़ चुके उसमें तुम क्या पढ़ चुके, इस कमरे के हमने 10 पार्ट कर दिए, ठीक, और एक गेस्ट रहने के लिए आया, उस गेस्ट को हमने कहां से माना, ए से, ठीक। हमने माना कि वो कमरा नंबर 3 में रहने लगा, तो वो बेज थ्योरम है। और कमरा नंबर 3 में रहने का मतलब क्या हुआ बोलो, अनुकूल अवसर कौन सा हो गया 3, और कुल अवसर क्या हो गया 10 के 10 का टोटल, नहीं समझे भाई, एक डाइस आपने थ्रू किया, ठीक है। जब आप 1 डाई थ्रू करते हो तो अनुकूल अवसर, अगर तुम्हारे से पूछ रहा सम संख्या तो सम वाले जितने भी हैं 3 है, तो अनुकूल अवसर फेवरेबल चांस, और टोटल में तो सारे आएंगे। तो ऐसे ही यहां जब आप बेस थ्योरम के अंदर अपॉन में लिखोगे तो अपॉन का मतलब टोटल, और टोटल का मतलब टोटल थ्योरम, अभी नहीं पढ़ी टोटल थ्योरम, तो टोटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 .. जहां तक भी चलना करेगा। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर 5 प्रॉब्लम थी तो 5 तक चलेगा, 3 प्रॉब्लम थी 3 तक चलेगा, ठीक है। ऊपर कौन सा है अनुकूल, कौन से कमरे में शिफ्ट हुआ हो, मान लो तीसरे में, तो तीसरे में शिफ्ट होने का मतलब तीसरा नंबर जो आएगा, तीसरा क्या था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई थ्री। समझ गए आप लोग यहां तक की बात? नहीं समझे? अनुकूल अवसर कौन सा है? तीसरा कमरा। तो तीसरे कमरे की पूरी इवेंट तो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई थ्री और अपॉन में टोटल इवेंट आएगी। और तीसरे कमरे में शिफ्ट होने को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री अपॉन ए। इसको हम क्या बोल देंगे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको यहां पलट के लिख देंगे ई थ्री अपॉन, बस इतना काम करना है। ये हमारी क्या है भाई? बेस थ्योरम। समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा। अब मैं इसी को मैथ की भाषा में लिखता हूं, ठीक है? वैसे तो तुमने मेन चीज है समझ में फिट बैठ रहा, समझ में फिट बैठ चुकी। अब आप इसको गणित की भाषा में लिख दो। गणित की भाषा में इसने कैसे कहा कि j बराबर 1 टू n, यानी घटनाएं जो है वो कहां से शुरू हो रही? 1 से। कहां तक जा रही? n तक। और उन घटनाओं को कैसे लिख रहा हूं? j से। तो इसने इसको किस तरीके से लिखा? इसने इसको इस तरीके से लिखा, अपॉन वाली को जो लिखा इसने वो लिखा समेशन। अरे नीचे क्या होता है? टोटल नहीं होता? j बराबर 1 टू n और प्रोबेबिलिटी ऑफ e डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे। ई जे, जे का मतलब 1 रखेंगे 2 रखेंगे सबका टोटल, और ऊपर क्या आएगी? अनुकूल। अनुकूल का मतलब जो कमरा सिलेक्ट करा, मान लो उसने जो कमरा सिलेक्ट किया वो आई है, इसके बीच में आई भी कहीं आया होगा भाई, 1 2 3 आई 4 5 6 7 जे इस तरीके से आया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, जो अनुकूल अवसर है वो तो आएगा। तीसरा कमरा सिलेक्ट किया तो यहाँ 3 तो आएगा। और इधर क्या लिखते थे आप? हाँ यहाँ भी ई आई, सॉरी यहाँ भी ई आई लिखे और यहाँ भी ई जे, ठीक है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे। और इधर क्या आता था? इसका पलटा हुआ पार्ट, तो इसको पलट दो जरा, कितना आएगा यहाँ? ई आई अपॉन ए। तो ये आपकी क्या हुई? बेस थ्योरम। समझ में आई है? नहीं है? देखो अगर भाई तुमने टोटल और वो नहीं पढ़ा तो फिर तो आई नहीं होगी। तुमने अगर टोटल पढ़ रखा, वैसे तो मैंने अभी तुम्हें याद भी दिलाया, टोटल और पार्टीशन अगर नहीं पढ़ा फिर नहीं आएगी बेस थ्योरम समझ में। अब तुम्हें मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाने लगे तुम्हारे में जो उड़गटाई नहीं आती, तुम्हें कहोगे क्या हो रहा है? समझ में आया? बेस थ्योरम समझ आई? अब इसका उदाहरण देखें, ठीक है भाई? इसका क्वेश्चन या उदाहरण आप देखें, कहां से शुरू हो रहे भाई उदाहरण? देखो जैसे 17वां उदाहरण है भाई, मैं 17वां उदाहरण इसका बताता हूं, बिल्कुल समझ में फिट बैठ जाएगी बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है और बेस के बाद आगे क्या है, चलो देखेंगे आगे पोर्शन है भी नहीं ना काफी कुछ पार्ट, उसको छोड़ देंगे फिर। तो आप लोग बेस के लिए लिखें एग्जांपल नंबर 17, बेस के लिए लिखें आप एग्जांपल नंबर 17। देखो एग्जांपल 17 क्या कहता है? 17 कहता है 3 अभिन्न डिब्बे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। सुन लियो ध्यान से, कितने डब्बे हमारे पास? 3। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा और ये तीसरा डब्बा, ठीक है? अरे तुम्हें लिखना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं, समझना तो समझ ले पूरा फोकस को। तो ये कहता है कि 3 अभिन्न डिब्बे, यानी 3 अलग अलग किस्म के डब्बे, इस डब्बे को मैंने लिख दिया डिब्बा नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ओके? बेस थ्योरम के लिए ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा और सबसे आसान और बेस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा निश्चित इसका, क्योंकि आगे का पार्ट कट गया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रह गया। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, आगे बढ़ो। ये कहता है जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं, डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, तो पहला सिक्का भी गोल्ड दूसरा सिक्का भी गोल्ड, ठीक है? डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, पहला भी सिल्वर दूसरा भी सिल्वर, आगे बढ़ो, समझ में आ रहा ना? तथा डिब्बे थर्ड में 1 सोने और 1 चांदी का सिक्का है, 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, ठीक है ना बात यहां तक? आगे बढ़ो सभी के सामने, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति यदृच्छा 1 डिब्बा चुनता है, कमरे के 10 पार्ट हो रखे, एक मेहमान आया तो जिसके भी घर को रुकना चाहेगा पहले तो उसका घर चुनेगा,
तो वो आदमी पहले क्या चुन रहा, एक डिब्बा, सिक्का तो बाद में निकालेगा उसमें से, नहीं समझ रहे मेरी बात। और पहले कमरे को चुनने को आप कैसे लिखते थे उस घटना को, E1, दूसरे कमरे को चुनने को E2, तीसरे को E3 लिखते थे ना। तो आप लिखे यहां से आदमी, आगे क्वेश्चन पढ़ी नहीं रहा मैं, पहले ये लिख रहा आदमी द्वारा पहला डब्बा चुनने की घटना को यदि E1 से, ठीक है भाई, दूसरा डब्बा चुनने की घटना को E2 से, तीसरा डब्बा चुनने की घटना को E3 से लिखा जाता है। समझ रहे मेरी बात, यानी पहला डब्बा अगर चुन रहे तो उस घटना को कैसे लिख रहे, E1 से, दूसरे को, तीसरे को। तो क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताएंगे कितनी होगी, जल्दी बताओ क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओगे। अबे नलायक, वो तीन डब्बे हैं, तीन में से पहला डब्बा चुनना तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/3 अपॉन में टोटल नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ये भी 1/3। अब वो दूसरा डब्बा चुन रहा तो डब्बे तो सारे एक जैसे, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, इसकी भी कितनी होगी 1/3, ठीक होगी। हाँ यहां तक इसने भी ऐसे किया, आगे बढ़े। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं, यदि व्यक्ति यथेच्छा एक डिब्बा चुनता है, अभी हमने यहां तक का काम करा केवल, और उसमें से यथेच्छा एक सिक्का निकालता है, तो वही सिक्का भी निकाल रहा, ठीक है, यथेच्छा एक सिक्का निकालता है, यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है, ठीक है। अब वो दो तीनों डब्बों में से एक डब्बा चुना, फिर उसमें से एक सिक्का निकाल रहा, वो सिक्का कैसा है, सोने का, तो मैं क्या लिखता हूं यार, आदमी द्वारा पहले डब्बे से एक सिक्का सोने का, एक क्या था, आदमी द्वारा पहले डिब्बे से एक सिक्का सोने का निकालने की घटना को, पहले तो घटना ही मानेंगे, यदि ए से लिखते हैं, ठीक है, पहला हटा दो, आप सबको ए से लिखेंगे, आदमी द्वारा डब्बे से एक सिक्का सोने का निकाला जाता है, और वो पहले से भी निकाल सकता है, दूसरे से भी निकाल सकता है, तीसरे, यानी सोने का डब्बा निकाला, यानी उस आदमी का ठहरना आके उस घटना को ए से मानो, और वो तीनों से रिलेट हो रही थी। ऐसे ही यहां पहले तो तीन डब्बे चुने, E1 E2 E3 हो गए चुनना, अब उनमें से एक सिक्का निकालना सोने का, तो एक सिक्का सोने का निकालने की जो घटना है वो ए है, तो ए तीनों से रिलेट हो रही। अब बात आई, यहां तक समझ में आ गया, चलो ये तो आपके याद रहेगा ही, चलो अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E1 का मतलब क्या हुआ, पहले तो मतलब ही बताओ, बोलो, जो वो सोने का सिक्का निकाल रहा है, सोने का सिक्का कहां से निकले, पहले डिब्बे से निकालने की प्रायिकता, ये तो मतलब हुआ, पहले मतलब भी तो लिखो, तो कितना होगा भाई बताओ, पहला सोने दोनों गोल्ड है तो 2/2, यानी तो A/E1 का जो मान है वो कितना आ गया। अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ऐसे तो लिख रहे थे, A/E2 का मतलब क्या हुआ, सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता, थ्योरी तो ना लिखो, कितनी आ गई 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ये कितना आ गया, मतलब समझ गए, थ्योरी लिखने की आवश्यकता तो नहीं, अब तुम खुद लिख लोगे। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 तीनों 1/3 है, और A/E1, A/E2, A/E3 आ गया। अब मैं जो बेज थ्योरम लिखने जा रहा हूं, तो बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग नीचे तो टोटल ही आना, तो नीचे के तो
लिखिए कम से कम, तो नीचे क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए अपॉन ई वन, समझ में आ रहा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, सबकी समझ आ गया। अब हमें ये देखना है कि ऊपर कौन सा है, ऊपर तो तीनों में से एक ही आएगा, कोई सा कौन सा आना चाहिए ऊपर, किताब किताब बताएगी कौन सा आएगा ऊपर, कौन सा आएगा इस बात की प्रायिकता क्या है, डिब्बे में दूसरा भी सोने का, जब एक निकाला दूसरा भी सोने का तो पहले मिल रहा है, तो पहला आने का मतलब क्या आ गया ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, और इधर क्या आता है इसका रेसिप्रोकल, इधर क्या आता है इसका रेसिप्रोकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन, और यहाँ क्या लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है, या बेज थ्योरम के द्वारा अभीष्ट, समझ में आ गया। अब ये बताओ बेज थ्योरम से क्वेश्चन समझने में कोई समस्या आई है, बोलो कुछ लगी समस्या, तो आज जो आप कार्य करेंगे एक तो उदाहरण 16 का प्रयास करेंगे घर जाके, 17 मैंने कर दिया, उदाहरण 18 का प्रयास करेंगे, उदाहरण 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, एक उदाहरण 19 का प्रयास करेंगे, ठीक है, 20-21 उदाहरण 20-21 का प्रयास करेंगे, ठीक है, केवल उदाहरण दे रहे हो, लेकिन भाई सुनो अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो भाई बेज थ्योरम समझ लोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन मैं करा दूं जरा, तो आप लिखे क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा तो लग रहे मुझे आसान, कुछ ऐसा भावना कर रही, तीसरा कर लिखो आप तीसरा, टाइम तो है ना भाई, अच्छा चलो तो फिर चलो फिर लिखो तीसरा, कितनी देर की होगी वीडियो, 17 मिनट, लिखो आप क्वेश्चन नंबर 3, लिखे आप क्वेश्चन नंबर 3, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे में इसने कहा ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते, दो ही घटनाएं, पहला 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते, ठीक होगी बात, आगे बढ़ो, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं, लास्ट ईयर के इन्होंने जो रिजल्ट है वो प्रेषित कर दिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया, यानी जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं उनमें से ग्रेड कितनों का आने की संभावना ज्यादा है, संभावना क्या आ चुका कितनों का आया 30%, यानी अगर छात्रावास में सो रहे तो 30 का ग्रेड है यार, और बाहर अगर सो रहे तो कितनों का आया 20, समझ गए, यानी छात्रावास में पढ़ाई अच्छी होगी, यहां तक की बात सबको समझ आएगी, आगे बढ़ो, महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, हमने एक छात्र चुन लिया ए ग्रेड मिलने वाला, ठीक है आगे बढ़ो, तो बताओ कि वह छात्रावास में रहने वाला है, इस बात की प्रायिकता बताओ, ठीक, तो यहां दो ही घटना है भाई, ईवन घटना क्या कि छात्रावास में रहता है, ई टू छात्रावास में नहीं रहता, अरे जब हमने एक लड़का चुना ए ग्रेड वाला तो पहले तो वही देखेंगे छात्रावास में है, पहले दोनों में से चुनना पड़ेगा ना, पहले तो ये चेक करेंगे छात्रावास या बिना छात्रावास नहीं करेंगे, तो आप लिखो यहां से माना ई वन का किस प्रकार की घटना, छात्र क्या रहता है छात्रावास में रहता है, और ई टू क्या है छात्र छात्रावास में नहीं रहता, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी होगी बताओगे मुझे, छात्रावास में रहता है कितनी है देखो 60%,
तो 60 अपॉन 100, समझ गए ना आप लोग। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 40 अपॉन 100, ठीक होगी बात समझ। अब इन दोनों से रिलेट करती भी घटना ए माननी है, अब क्या मानेंगे ना, माना ए जो है वो क्या है, जो घटना है, कैसी घटना है वा? बोलो, छात्र ए ग्रेड वाला है, छात्र कैसा है, ए ग्रेड वाला। तो भाई मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन, तो अब इसका मतलब लिखेंगे पहले आप, मैंने छात्र छाट लिया ए ग्रेड वाला, जिसका ए ग्रेड आ रहा छात्रावास, तो मैं जब यहाँ लिखूंगा ए अपॉन ई वन, इसका मतलब क्या हुआ, छात्रावास में ए ग्रेड वाला छात्र कहाँ का है, छात्रावास का है, नहीं समझे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू ए ग्रेड पाने वाला छात्र छात्रावास का नहीं है, तो बोलो भाई कितनी है, 30 अपॉन 100 और 20 अपॉन 100, समझ में आ गई होगी बात। अब आप क्या करेंगे, बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग नीचे तो टोटल ही करना है, तो नीचे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस ई टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, इट्स ओके। अब ये चेक करना ऊपर कौन सी लिखे, कौन सी आएगी ऊपर, पढ़ो, यानी पहले वाली, तो यहाँ छात्रावास वाली आई पहले वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, और इधर क्या आएगा इसका, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई, कर दोगे कोई दिक्कत परेशानी, तो उदाहरण और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, केवल क्वेश्चन 1, 2 और 4 नोट करो, नोट करो, केवल क्वेश्चन 1, 2, 4, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैं तुम्हें दे रहा, केवल क्वेश्चन 1, 2, 4, हाँ।